मुझसे सब कहते हैं कि मैं करण कुंद्रा जैसी लगती हूँ थोड़ी थोड़ी। तू मेरे से बहुत अच्छी दिखती है। आपका नाम है भारती? भाटी। भाटी, हाँ जी। आप एक लड़के की तरह क्यों तैयार होती हैं? इसका क्या रीजन है? सर बचपन से मैं ऐसी हूँ, तो सर मुझे कब ऐसे कपड़े पहनने का शौक लग गया मुझे पता है। और आज मैं ऐसे कपड़े सोचती हूँ कि पहन लूंगी लेकिन पहनने नहीं आते सर। नो नो, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की हैं, बाल भी छोटे हैं करण जैसे हैं, तो वो एक उसकी वजह से शायद कोई सोच सकता है कि हाँ यार मैं ऐसे ऐसे ये लड़का। सर लौंडा बहुत मलूक है सर, इन्हें ही तो कॉपी करती हूँ मैं हेयर स्टाइल में। एक लड़की पटा ली थी ना तूने इस चक्कर में? हाँ सर पटाई क्या ली थी, मेरे भाई ने पटवाई थी। हुआ क्या था, मेरा भाई उस लड़की को लाइक करता था, तो हम गए वहाँ पे, तो मैं गाड़ी में चश्मे वश्मे लगा कर टिप टॉप बैठी थी। उसने कहा मैं तुझसे तो नहीं उससे बात कर लूंगी। अब उसने मेरी तरफ देखा है, मेरी तरफ देखने के बाद उसने पहला वो कहा हाय, मैंने कहा हाय क्या हाल है, तो उसे पता ही नहीं चला। 3 महीने तक करती थी वो लड़की वाली हरकत, हाँ किसी से सी वो करती थी, लेकिन मैं दूर भागती थी, रुक जा। तूने 3 महीने तक लड़की पटा के रखी हुई थी? हाँ सर 3 महीने तक। ये तो मैं भी नहीं कर सकता। किसी से कुछ लगाव हुआ है आपको अपनी तरफ? आकर्षण किसकी तरफ है? लगाव अब तक मुझे मुझसे ही हुआ है सब। तू बिल्कुल करण कुंद्रा है। यहाँ पे लिखा हुआ आपने व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आपने लिखा म्यूजिक, एक गाना गा दीजिए हमारे लिए। चलो मैम थैंक यू। चलो हो जाए फिर, तैयार हो? टुंग टुंग बज, टुंग टुंग बज, टनना 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 टनना, टुंग टुंग बज, टुंग टुंग बज, टनना 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 टनना, टुंग टुंग दा सोंड करदा, टुंग टुंग दा साथ तेरे मेरा दिल विच लौट बजदा, टुंग टुंग भाई टुंग टुंग आजा। इतनी कॉन्फिडेंस मैंने किसी भी आज तक कंटेस्टेंट में नहीं देखी। यहाँ पर अच्छे अच्छों की ना, वो जो बड़े पढ़े लिखे लोग वो भी एकदम नर्वस हो गया था, लेकिन आप में जो कॉन्फिडेंस ना भर भर के। सर इसका सारा श्रेय मेरे पापा को जाता है, सारा, उन्हें मुझ पे विश्वास है। और मैं पापा यहीं बैठे होंगे, पापा से आज हाथ जोड़ कर ताली बजा के आती हूँ, पापा थैंक यू, आपने इतनी बड़ी छूट दी मुझे। आज मैं चिल्ला के कहूंगी पापा। आपका नाम क्या है सर? जगत सिंह भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बेटी को इतना सपोर्ट किया। अगर आपको देखकर कुछ और लोग भी अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट करें, हमारे देश में बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सो मच कि आपने आयोग। सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया अपनी बेटी को, ऐसे एरिया में जहाँ पे लड़कियों को छूट नहीं है। सर पापा से बोला जाता था क्या सिखा रहा है तू अपनी लड़की को, नॉर्मल उठा शादी कर और भगा। सर मेरा एक बड़ा भाई था जो अभी खत्म हुआ है, 3 साल हो गए उसको। क्या हो गया था उनको? नस ब्लॉक हो गई सर उसकी। सर मैं उसकी जगह ले लूंगी, पापा, मैंने पापा से बोला है और मैं उसकी जगह लेके रहूंगी और मैं ले रही हूँ। मान लिया मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं अपने पापा के साथ हर वो चीज करती हूँ जो एक बेटा करता है। मेरे ड्रेसअप सेंस में मत जाओ, मैं नॉर्मल लड़की हूँ, गोबर उठाती हूँ, भैंस नहाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अपने पापा को मैंने कभी फील नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ, और मैं ये हमेशा करती रहूंगी। कह रही हूँ पापा थैंक यू, मुझे आपने इतनी बड़ी लाइफ दी। प्लीज उन लड़कियों को समझो, कुछ बनने का मौका दो, उनमें टैलेंट है यार, प्लीज उन्हें बनने का एक बार मौका दो, जैसे मेरे पापा ने दिया। मुझ में हिम्मत है, मैं करके दिखाऊंगी पूरी तरह। थैंक यू सर, आप आए हमारे लिए, थैंक यू सो मच।
आपके लिए हम लोग एक स्पेशल चीज करते हैं। जब हम किसी को अपनी तरफ से रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उनके लिए एक चीज करते हैं और वो है रोडी सैल्यूट, ये आपके लिए। थैंक यू सर। इमोशनल हो गया थोड़ा सा मामला। ऑडिशन करें कि रहने दे? सर करो तो अभी भूल जाएं जो हुआ था। भूल जाओ सर। आपने रोडीज पहले देखा है? आपको पता है कि फिजिकली टफ रहता है। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस करने पड़ते हैं जिसमें मुश्किल कसरत वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। करेंगी आप? हाँ जी मैं करूंगी। अभी हमारे पास 10 सेकंड का समय है। जिसने भी ये किया उसका मतलब ये कि उन्होंने आपके लिए चाबी घुमा दी और लाइट ऑन कर दी और वो चाहते हैं कि आप उनके गैंग में। अगर एक से ज्यादा नहीं किया फिर वो डिसीजन आपके पास आ जाएगा, बट विल गेट टू दैट इफ समबडी सेलेक्ट्स यू। और अगर नहीं किया किसी ने दैट मींस वेल ट्राइड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रेडी? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। अभी होगा ये दोनों एक एक करके आपसे बात करेंगे। हाँ, बताएंगे कि आप इनके गैंग में क्यों आओ। ओके सर। पहले जाएंगे करण। मैं शो एक बार कर चुका हूँ, इतनी से रह गया था जीतते जीतते। ठीक है, मेरे को गेम खेलनी आती है। बिल्कुल सर। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो फिर उनकी रिस्पेक्ट भी है। बाठी। हाँ जी भाई। हाँ देख भाई, बोल दिया ना, पक्का आएगी। एक ही चीज तेरे से कहूंगा, मैं भी गांव से हूँ, तू भी गांव से है। बिल्कुल भाई। मैं भी बिल्कुल छोटे से परिवार से हूँ, तू भी छोटे से परिवार से है। जो तेरा मोटिव है ना। हाँ भाई। कि अपने माँ बाप का सहारा बनना है। बिल्कुल भाई। तो वो चीज तू मेरे गैंग में रह के सीख सकती है और अच्छे से। भाई आपने यहाँ वाली बात बोल दी। करण सर एक बात बोलूं, मैं आपकी तरह लगती हूँ, दिखती हूँ, पर भाई एक छोटी सी बात और बोलने वाली हूँ कि भाई की टीम में